सोटर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्केट ओपन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैंने कुछ इस पॉइंट के आसपास जो है एक कॉल साइड के अंदर एंट्री बनाया, आप लोग देख सकते हो अभी जो है कुछ लॉस वगैरह चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अर्ली एंट्री में जरूर कर दिया, बट चलो कोई नहीं। और यहाँ पे जो है निफ्टी भी जो साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ से जो है रेजिस्टेंस ले रहा है, और इधर बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे मार्केट को जाना तो चाहिए ऊपर, ठीक है। और अगर आप लोग देखोगे तो काफी बढ़िया बढ़िया सा यहाँ पे जो है बाइंग आया हुआ है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन, देखते हैं क्या होता है। अभी जो है थोड़ा बहुत लॉस चल रहा है, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा अर्ली एंट्री हुआ है बस, तो उसका थोड़ा सा दिक्कत जरूर हो सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। सो ट्रेडर अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, 0.3 तक आया, और अभी जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश में है। बट एक चीज दिक्कत दे सकता है, वो है निफ्टी। निफ्टी ने यहाँ पे जो है पहले ही ब्रेकआउट दे चुका है, तो इस चीज को देखते हुए बैंक निफ्टी के अंदर फिर से बायर्स आने की कोशिश करेंगे। बस यही एक छोटा सा दिक्कत है, अदरवाइज वैसा कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि मार्केट ने काफी बढ़िया सा रिट्रेसमेंट दिया हुआ है। अभी अगर यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है तो फिर एक नया दिक्कत आ जाएगा, और अगर यहाँ से ही ऊपर चला जाता है तो फिर ठीक है, ठीक है। सो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। प्रॉफिट अभी भी अगर आप लोग देखोगे 200 के आसपास चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। और अगर यहाँ पे फिर से एक एम पैटर्न बनाने लग जाए तो फिर तो देखो दिक्कत, फिर से दिक्कत, ठीक है। अभी अगर इसको ये निकाल देता है तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सो देखो ट्रेडर, उसी का डर था जो मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था कि निफ्टी ने पहले ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे निफ्टी के वजह से यहाँ पे कौन आएगा, बैंक निफ्टी के अंदर बायर आएगा, और निफ्टी ने तो पूरा ही कंसोलिडेशन रिलेशन वाला मोमेंट दे दिया, ठीक है। और दैट्स वाई मार्केट के अंदर यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा पाया। बैंक निफ्टी ट्राई तो किया था, बट वही चीज है, निफ्टी की वजह से नहीं जा पाया और फिर से घूम गया, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लेते हुए अगर यहाँ पे जो है एम पैटर्न बड़ा बनाता तो फिर कुछ हो सकता था, बट वो भी मार्केट ने नहीं किया। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 435 रुपीज का हम लोगों ने यहाँ पे एसएल लिया हुआ है, एंड 30 पॉइंट का एसएल लिया हुआ है, क्योंकि समझ गया था कि हाँ आज नहीं जाएगा मार्केट ऊपर। और अगर आप लोग देखोगे थोड़ा सा अर्ली एंट्री भी हो चुका था, तो ये गलती आज हुआ है हमसे, ठीक है। और अगर मैं आज यहाँ पे एंट्री करता तो हो सकता है प्रॉफिट बन जाता, पर चलो कोई नहीं, डायरेक्शन तो सही था, बट वही चीज है, निफ्टी ने थोड़ा दिक्कत दे दिया, निफ्टी ने बीच में आके पूरा मोमेंटम खराब कर दिया, ठीक है। और अभी जो है मार्केट नीचे जा रहा है, चलो कोई नहीं, रुकते हैं। अगर फिर से कोई ट्रेंड बनाता हूँ तो आपको बताऊंगा, अदरवाइज आज का वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।